हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड हैव ए नाइस डे अलोंग विद हैप्पी न्यू ईयर। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कल हमने नरेशन को डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के तौर पे कि नरेशन क्या है। नरेशन का मतलब निर्देशन। हमारे सब्जेक्ट सिलेबस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से नरेशन जाने जाते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, प्रत्यक्ष कहना। इनडायरेक्ट का मतलब उसी बात को थोड़ा सा घुमा के कहना, अप्रत्यक्ष रूप से कहना। आज हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। कल हमने फर्स्ट पार्ट को इसमें देखा था। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज डॉक्टर एस आर भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। किस प्रकार से हमने टेंस, प्रोनाउन और एडवर्ब को समझना है। हमने प्रोनाउंस को देखा, टेंस को देखा, और इसके साथ ही कुछ वर्ड्स को हमने चेंज करते हुए देखा। आज हम इसका अगला पार्ट है नरेशन पार्ट टू। नरेशन पार्ट टू को देखेंगे किस प्रकार से इसमें कंटिन्यूटी में, इसके सीक्वेंस में, डायरेक्ट डायरेक्ट के सीक्वेंस में और नियम्स हैं जो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। टेंस, टेंस का जहाँ तक रोल है, टेंस को बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो वो निश्चित तौर पे रिपोर्टिंग वर्ब को फर्क प्रभावित करेगी। जैसे राम सैड है, तो सैड तो अगला वाला जो आगे वाला जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो भी उसी टेंस में होगा। लेकिन जहाँ तक प्रेजेंट टेंस की बात है, प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब अगर जिस टेंस में होगी, अगले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला जो स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कोमा में है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। जनरली यूजुअली द प्रेजेंट चेंजेस टू पास्ट टेंस, ज़्यादातर प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं। व्हाइल वी चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, लेकिन अगर सिंपल पास्ट में दे रखा है, आगे वाला प्रेजेंट है, तो पास्ट में बदलेगा। लेकिन शुरू से ही प्रेजेंट है तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट। सी सेड आई वर्क इन न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने कहा मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करती हूँ, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड यानी पास्ट टेंस में बदलेगी। सी सेड दैट सी वर्क इन न्यूयॉर्क टाइम्स। कुछ अपवाद है इसमें, अपवाद नियमों से थोड़े से अलग। इफ द कंटेंट इज स्टिल ट्रू और हैपनिंग, अगर दी गई बात सही है और अभी भी घटित हो रही है, देन वी डोंट नीड टू चेंज द टेंस इन द रिपोर्टिंग स्पीच। तब इसको हम बदलते नहीं, क्योंकि जो काम पहले भी होता था हुआ, वही काम अब हो रहा है या होगा, तो उसका हम एज इट इज रखेंगे। जैसे सी सेड आई लिव इन पेरिस, उसने कहा मैं पेरिस में रहती हूँ, पहले भी रहती थी, आज भी रहती है, तो इसका आगे वाला स्टेटमेंट का टेंस नहीं बदलेगा। सी सेड दैट सी लिव्स इन पेरिस। दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है, प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। मदर सेड बॉब इज टेकिंग ए नैप, मदर ने कहा बॉब एक नैप को ले रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसा ही परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बदलते हैं। जैसे निकोलस सेड आई हैव मेड ए डोनट, निकोलस ने कहा दैट ही हैड मेड ए डोनट, कि उसने एक डोनट बनाया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलने के लिए भी हमें कुछ ऐसे ही रिपोर्टिंग आधार पर कहना पड़ा। जैसे मिस्टर पर्सन आस्क्ड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर, इनडायरेक्ट में होगा पर्सन आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड बीन वर्किंग देयर, क्योंकि हाउ लॉन्ग है ना, ये डब्ल्यू एच वर्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा कनेक्टिव के तौर पे, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हम सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं तो उसको हम कनेक्टिव का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बदल देते हैं। जैसे रॉबर्ट लैंगडन सेड माई मदर गेव मी द मिकी वॉच, रॉबर्ट लैंगडन ने कहा कि उसकी मदर उसे एक मिक्की वॉच दे चुकी थी। थोड़ा सा फर्क आ जाता है रिपोर्टिंग वर्ब से। कहने मतलब है डायरेक्ट डायरेक्ट में नरेशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रियल
मुख्य भूमिका निभाता है, पास्ट कंटिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूस से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बदलते हैं रिपोर्टिंग ए वर्ब के आधार पे। जेनी सेड मार्लो वाज लिविंग बेल्जियम। जेनी ने बताया कि मार्लो बेल्जियम छोड़ रहा था। नोट, इफ द टू टेंसेज सेंटेंसेज आर कंबाइंड विद द कंजक्शन एंड बोथ सेंटेंसेज हैव डिफरेंट टेंसेज देन वी नीड टू चेंज द टेंसेज ऑफ बोथ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द रूल। नियम ये कहता है कि जब जो दो वाक्य एक कंजक्शन कनेक्टिव योजक से जुड़े होते हैं और दोनों में दोनों के डिफरेंट टेंस हैं, अलग अलग टेंस हैं, तब हमें उन टेंस को बदलने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि नियम यही कहता है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस डज नॉट चेंज इन द डायरेक्ट स्पीच। पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, वो इनडायरेक्ट में बदला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके बारे में पास्ट टेंस को पहले परिभाषित कर चुके हैं पास्ट परफेक्ट को। जैसे अलेक्स सेड आई हैड स्टॉप टू विजिट यू। अलेक्सा सेड दैट ही हैज स्टॉप टू विजिट मी। सॉरी, ये हैज नहीं, हैड है। अलेक्सा सेड दैट ही हैड स्टॉप्ड, ही हैड स्टॉप्ड, ही हैड स्टॉप टू विजिट मी। हैज मिस प्रिंट हो गया, हैड। सिंपल फ्यूचर टेंस टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, कंडीशनल में, सॉरी कंडीशनल बनाते हैं। तो स्मिथ ने कहा माय पेरेंट्स विल बी देयर एट 9 AM। स्मिथ सेड दैट हिज पेरेंट्स वुड बी देयर एट 9 AM। अब आता है मॉडल्स। जहाँ तक मॉडल्स का सवाल है, मॉडल्स को भी आप बदलते वक्त उनके साथ में पास्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे शैल विल शुड वुड में, कैन कुड में, मे माइट में होता है। डिपेंड करता है कि जैसे शैल को हम शुड के बजाय वुड में भी चेंज कर देते हैं। डिपेंड करता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पे। जैसे जॉन सेड आई विल बी देयर। जॉन ने कहा मैं वहाँ पे होऊंगा। इनडायरेक्ट में जॉन प्रोमिस्ड दैट ही वुड बी देयर। जॉन ने वादा किया था कि वो वहाँ पे होगा। नोट, शैल बिकम शुड इफ इट्स इम्प्लाइज ए क्वेश्चन। अगर सेल को हम शुड में बदलते हैं तो इसका मतलब इसमें कोई क्वेश्चन है। वैसे सेल का ज़्यादातर यूज़ वुड में ही होता है। जैसे सी सेड, अब मॉडल्स में ये बताया कि मॉडल्स लाइक कुड, शुड, नीड, मस्ट, माइट यूज टू डू नॉट चेंज इन रिपोर्ट्स। ये बदलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में बदली जा चुकी हैं। जैसे एग्जाम्पल सी सेड I would not be the victim। मैं एक विक्टिम नहीं होंगी। इनडायरेक्ट she said that she would not be the victim। उसने कहा कि वो विक्टिम नहीं हो रही होगी। एडवर्ब द एडवर्ब्स एंड डेमोस्ट्रेटिव्स, कुछ क्रिया विशेषण या प्रमाणवाचक विशेषण जो बदलते हैं। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच डिफर्स फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टाइम एंड प्लेस। इनडायरेक्ट स्पीच बदलता है डायरेक्ट स्पीच के टाइम और प्लेस के हिसाब से। व्हेन समवन इज कन्वेइंग द मैसेज टू द लिसनर, जब कोई व्यक्ति श्रोता को कोई मैसेज दे रहा होता है, द स्पीकर माइट नॉट बी ऑन द सेम डे और प्लेस। कहने वाला वो बात को कहने के लिए उस दिन थोड़ी उपस्थित होता है, वो बात उसने पहले कह चुकी होती है। टाइम प्लेस बदल गया। सो द डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट एटसेट्रा। तो जो प्रमाणवाचक है जैसे दिस दैट दीज दोज, ये बदल जाते हैं। एंड द एडवर्ब ऑफ द टाइम एंड प्लेस हेयर देयर टूडे नाउ एटसेट्रा आल्सो चेंज्ड। हेयर को देर में, देर देर रहेगा, टूडे को दैट डे में या प्रीवियस डे में, नाउ को देन में बदल देते हैं। वी कैन लुक इन टू द फॉलोइंग चार्ट। इस तरह से हम चार्ट को भी बदला हुआ देख सकते हैं। जैसे डायरेक्ट डायरेक्ट में नाउ को हम जनरली देन में बदलते हैं, एट दैट मोमेंट में बदलते हैं। और टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, यस्टरडे द डे बिफोर में बदलते हैं, कम गो में, ब्रिंग टेक में, दिस डेट में। इस तरह से एक सामान्य टर्मिनोलॉजी है जिसको पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होने पे उसको बदला ही
जाता है। कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे आई सेड साइमन रेड वर्ड्सवर्थ यस्टरडे, मैंने कहा कि साइमन ने कल वर्ड्सवर्थ को पढ़ लिया। इनडायरेक्ट में क्या होगा, आई सेड दैट साइमन रेड, पहले वाले रीड का मतलब पढ़ना, दूसरे वाला स्पेलिंग सेम है लेकिन पढ़ा जाएगा रेड, पढ़ा वर्सेस द डे बिफोर। येस्टरडे को हम प्रीवियस डे में भी बदल सकते हैं डायरेक्ट। मदर सेड कम होम नाउ, मदर ने कहा घर आ जाओ। अब मदर ने उस समय कहा था, टाइम और प्लेस डिफरेंट था, तो यह ऑर्डर है, मदर ऑर्डर मी टू गो होम एट दैट मोमेंट, देन भी हो सकता था। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए पर्याप्त है। एक बात हमने ये देखी कि फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने टेंस, प्रोनाउंस और एडवर्ब्स को ज़्यादा जोर देकर परिभाषित किया। रही बात टेंस की, टेंस यहाँ पर भी सेकंड पार्ट में भी टेंस का काफ़ी रोल होता है, क्योंकि ऐसे टेंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ को भी बताते हैं प्रेजेंट टेंस हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इनडायरेक्ट में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे सेंटेंस बनता है द टीचर सेड कोमा इनवर्टेड कोमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो क्या होगा इसका, टीचर सेड, कोई नहीं बदलेगा, दैट कनेक्टिव टू दैट, आगे जो सेंटेंस था इनडायरेक्ट डायरेक्ट में वो इनडायरेक्ट में वही रहेगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसलिए प्रेजेंट टेंस बदलते नहीं, लेकिन जहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब का सवाल है, रिपोर्टिंग मैंने शुरू में जिस टेंस में कहा गया, कहने वाले की जो टाइम है प्लेस है वो कब कहा वो पास्ट में है, तो प्रेजेंट टेंस भी बदल जाता है पास्ट इनडेफिनिट में। जैसे सी सेड आई वर्क इन न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम में काम करते, कहा तो उसने जब था लेकिन कहा क्या गया सेफ है। अगर उसको इनडायरेक्ट में कहेंगे तो ये कहेंगे कि सी सेड दैट सी वर्कड इन द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने कहा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करती है। इसलिए कोई चीज़ जब घटित हो रही होती है तो उसका टाइम अलग होता है, लेकिन कई चीज़ें हैबिचुअल होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड होती हैं, जो अनचेंज रहती हैं, तो उसका भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होना मुश्किल है। हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब का कोई वर्ड चेंज हो जाए। ऐसा है प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस टेंस बदलने के लिए कहते हैं कि माँ ने कहा, मदर का सेड, वो वाज टेकिंग नैप, मदर ने कहा, वो प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में लिखा हो गया था, लेकिन जब इनडायरेक्ट में कहते हैं तो मदर सेड दैट वो वाज टेकिंग नैप, इज को हम वाज में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हम हैव को हैड में बदल देते हैं, जैसे निकोलस सेड आई हैव मेड ए डोनट, निकोलस ने कहा दैट ही हैड मेड ए डोनट, उसने चेंज कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो हैव बीन को हैड बीन में चेंज कर देते हैं। जैसे मिस्टर पार्सन आस्क्ड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर, पार्सन आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई हैड बीन वर्किंग थेयर, हेयर को देयर में बदल दिया गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जो रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में होती है, रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में होती है, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा पास्ट परफेक्ट का ही होगा। जैसे रॉबर्ट लैंगडन सेड माई मदर गेव मी द मिकी वॉच, रॉबर्ट ने कहा कि मेरी मदर मुझे मिकी वॉच दिया, इनडायरेक्ट में क्या होगा, गेव को हेड गिवन में बदल देंगे, रॉबर्ट लैंगडन ने सेड दैट हिज मदर हेड गिवन द मिक्की वॉच टू हिम। इस तरह से हम टेंस के आधार पे भी इसको बनाते हैं। स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह सुना, स्टूडेंट्स यू हैव लिसेंड टेकन इट सीरियसली एंड आई होप दैट यू विल बी बेनिफिटेड फॉर दिस लेक्चर वेरी सून। थैंक्स, थैंक्स अगेन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। और उसमें आपको जो नए चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज के साथ में हम आपके साथ प्रेजेंट होंगे, और भी कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है, तब तक के लिए
थैंक्स, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अगेन, थैंक्स।